महिलाओं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर आम तौर पर आक्रोश देखने में आता है। इन्हीं सब के बीच आज की बच्चियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की आवश्यकता है। यह बात उन लोगों द्वारा कही जा रही है जो आज के दौर में अपनी बच्चियों को समस्याओं के साथ साथ दुराचारियों से लड़ने की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। दरअसल इंदौर के तेजाजी नगर क्षेत्र में जूडो, कराटे, टाइकोंडो सिखाने वाली देवड़ा एकेडमी के एक वर्ष पूर्ण होने का जलसा रखा गया था। इस दौरान उन्होंने हर बच्चों को सम्मानित किया जिन्होंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग पूर्ण कर ली है या काफी हद तक वे अपराधियों से लड़ने में सक्षम हो चुके हैं। देवड़ा एकेडमी के विक्रम देवड़ा का कहना है कि उनकी क्लास के बच्चे कई स्पर्धा खेल चुके हैं और जीत चुके हैं। उनके अनुसार आज देश में हो रही घटनाओं को लेकर सभी को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना चाहिए ताकि बच्चे अपनी सुरक्षा खुद मजबूती से कर सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद भाजयुमो के नगर अध्यक्ष मनस्वी पाटीदार व कई लोग मौजूद रहे। सभी ने देवड़ा एकेडमी व उनके प्रयासों की सराहना की और मीडिया के माध्यम से आम जन से अपील की है कि आज के दौर में खासकर बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सभी को दिलवाना चाहिए। आज एक साल पूरा हुआ देवड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी का और इसमें बच्चों को सम्मानित किया गया। विक्रम देवड़ा यहाँ पर एक साल पहले क्लास की शुरुआत करी थी और यहाँ से कई बच्चों ने नेशनल चैम्पियनशिप जीती, कई बच्चों ने स्टेट में मेडल लिए और कई बच्चों ने बेल्ट अर्निंग किए, ब्लैक बेल्ट के करीब आ गए हैं, ब्राउन बेल्ट तक पहुँच चुके हैं। कई बच्चे शुरुआत किए येलो बेल्ट और उन बच्चों का सम्मान यहाँ पर रखा गया था और सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग ली है उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में जो अत्याचार हो रहे हैं महिला लड़कियों पे बच्चों? सेल्फ डिफेंस तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अभी इस वक्त में, चूँकि नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े देखते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश टॉप 10 में ही लगातार बना हुआ है। तो उससे बचने के लिए, उससे हमको ये करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी है। आज ये बच्चे नेशनल लेवल पे खेल के आए थे, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करा था देवड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चों ने, तो आज उनका सम्मान रखा था। इससे क्या होता है कि आगे जो दूसरे बच्चों ने देखते हैं इससे उनका भी होता है और आगे का उनके लिए अच्छा होता है और आगे भी इंटरनेशनल के लिए सब तैयारी चल रही है और आगे हमारी सबकी कामना है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये जाएँ। सर कौन कौन सी चैंपियनशिप खेल चुके हैं आपके यहाँ के बच्चे? ये स्टेट और नेशनल तक जा चुके हैं, नेशनल लेवल तक, राष्ट्र स्तर तक खेल चुके हैं बच्चे। अभी कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं और क्या क्या विशेष तौर पर सिखाया जाता है सेल्फ डिफेंस में? यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का कोर्स सिखाया जाता है, कराटे सिखाया जाता है, किक बॉक्सिंग और ताइक्वांडो और अभी आर्निस गेम का चल रहा है।